Welcome to Ashok Dairy Instrument. Here's our MD, Mr. Ashok Kumar. He will represent our latest DPW. Hello friends, here we introduce a new DPW. And इसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन डाटा इको मिल्क अल्ट्रा से और आपका वेन स्केल दोनों से ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन, और बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। इसमें मैं आपको डिटेल में और अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें एक ऑनलाइन स्लिप निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बार ओके, और इसमें ये इको मिल्क अल्ट्रा है, बैनी कंपनी की न्यू मशीन, और इसमें अभी फैट एसनफ और सीलर। ठीक है, इसमें देखिए 2.7 फैट है, 8.0 एसनफ एंड 28.3 आपकी सीलर है, और ऑटोमेटिक इस डीपीयू में इन्होंने सेलेक्ट किए, और फैट एसनफ एंड रेट प्रति लीटर 24.52, ठीक है, पर लीटर का रेट है। अभी देखिए फंक्शन में अभी क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें दूध डालेंगे, ठीक है, मतलब कि वेन स्केल में हम कोई भी वेट रखेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वेट रख दिया, वो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले में शो हो जाता है, और यहाँ हम इसको ये देखिए ये बटन है, यहाँ से लीटर और केजी, MR वाले बटन से आप लीटर और केजी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लीटर सेलेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ लीटर में शो करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें टोटल पैसे यहाँ बन गए, ठीक है, टोटल। अभी क्या है, हमने सिर्फ कोड नंबर डालना है, ठीक है। मैंने इसमें कोड नंबर डाल दिया 20, ओके, 20 कोड नंबर डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, इसमें सिर्फ एक बार हमें एंटर करना है, ठीक है, एक बार एंटर करने से ये मैनुअल पे चला जाएगा, ठीक है। मैनुअल मतलब मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं, मान लो किसी की फैट है या स्नफ कम आ रही है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आप 2.7 है, 2.8 करके दिखा देता हूँ, आप नहीं भी करेंगे तो भी दो बार एंटर करने से पर्ची निकाल देगा, ठीक है। तो 2.7 ही करता हूँ मैं दोबारा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक एंटर करेंगे और देखिए अभी इसकी स्लिप आ जाएगी, इसमें कोड नंबर, नेम, फैट एसनफ और वाटर और टोटल अमाउंट इसमें शो करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, आप जैसे ही स्लिप निकलेगी यहाँ देखेंगे आप ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारी स्क्रीन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। ये तो है आपका इसमें ऑटोमेटिक स्लिप, अभी मैनुअल चेक करते हैं, ठीक है। कोड नंबर 21, ओके, आप एक वन टाइम एक बार एंटर करेंगे, ठीक है, ये आ गया, इसमें एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कर्जर आ जाएगा, ठीक है, वैसे ही कर्जर आ जाएगा। अभी मैं इसमें फैट एसनफ भर सकता हूँ, एंटर, ओके, सॉरी, ये मैनुअल पर्ची भी आप दो बार एंटर करेंगे तो भी ये पर्ची निकाल देगा, ठीक है। तो मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। अब इसमें हम फंक्शंस चेक करते हैं, ये मेनू का फंक्शन है, ठीक है। इस मेनू के अंदर हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, कलेक्शन में हमने कलेक्शन करके दिखा दी, उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, डाउन में करेंगे एंटर रिपोर्ट, आप परचेज रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर रजिस्टर है, पेमेंट रजिस्टर है, पेमेंट ऑल मेंबर्स, ये सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले परचेज रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, आपने इसमें डेट और टाइम डालना है और शिफ्ट डालनी है मॉर्निंग इवनिंग, और इसमें एक बार एंटर करने से ये काउ और बफेलो का पूछेगा, ठीक है। उसके बाद एंटर कर दीजिए, आपकी ये परचेज रजिस्टर की स्लिप आ जाएगी, आपने कितना कितना परचेज़ किया, ठीक है, या टोटल की तीन स्लिप निकली है तो इसका परचेज रजिस्टर टोटल आ गया, ठीक है। उसके बाद ये मेंबर लेजर भी निकालता है, ठीक है, वो एंटर करना है आपने, कोड नंबर डालना है, ठीक है, जैसे अभी 20 डाला मैंने, एंटर, ठीक है। उसमें डेट डालनी है, कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक का, वो पूरा डिटेल इसमें निकाल देगा, हिसाब निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट रजिस्टर, पर कोड नंबर कितनी पेमेंट, मतलब एक तारीख से लेके 10 तारीख तक का हिसाब निकालना हो तो पूरी ये पेमेंट इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद सबसे जो मेन बात है वो इसकी रेट की है, ठीक है। तो हम रेट कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसमें सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं रेट इंस्टॉलेशन के लिए। ये हमने पेन ड्राइव लगाई है, ठीक है, तो मैं भी आपको इसमें रेट इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। तो इसमें आप एक्सेल में आप रेट लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरी एक्सेल की शीट है, काओ की अलग बनेगी और बफेलो की अलग बनेगी, ठीक है। काओ और बफेलो की दो आपने रेट लिस्ट बनानी है, ठीक है, और इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से, मैंने कॉपी किया और सेंड टू पेन ड्राइव। ओके, पेन ड्राइव में डाल दिया और मैंने यहाँ से पेन ड्राइव आउट कर दिया। इम्पोर्ट पेन ड्राइव में डालने से आपने इम्पोर्ट पे डालना है, ठीक है। उसके बाद एंटर, काउ के लिए वन प्रेस करना, तो ये रेट ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। अभी काउ की रेट लिस्ट इंस्टॉल हो रही है, ओके, और इसको बंद करना है फिर चालू करना है। काउ की रेट लिस्ट डालने के बाद ठीक है, वही मीनू का बटन दबाना आपने, उसके बाद वापस वही इम्पोर्ट। अभी दो नंबर दबाना है बफेलो के लिए, अभी ये बफेलो की रेट लिस्ट इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह से हम पेन ड्राइव से आपकी रेट लिस्ट है वो डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा है, इसमें आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं, तो जो भी रेट लिस्ट है आप अपने हाथ से चला सकते हैं। और इसमें एक फंक्शन और है, आप जो रेट लिस्ट है वो DPU खुद भी जनरेट कर सकते हैं, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। तो अभी मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ रेट। तो ये फैट SNF इसमें शो करी एक मिल्क अल्ट्रा ने, अभी DPU में आ गया 2.7 8.0 और 24.52 रुपये रेट, ठीक है। तो हम ये रेट यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, ये 2.7 और 8.0, ठीक है, 2.4 5.2, तो आप इसमें चेक करिए सेम ही रेट है। तो इस तरह से हम पेन ड्राइव से बहुत आसानी से रेट डाल सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इसमें दूसरे फंक्शन हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, इसमें आप डेयरी नेम आप अपना डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका डेयरी का नेम है वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। और दोबारा सेटिंग में जाने के बाद उसके बाद मिल्क एनालाइजर है दूसरा ऑप्शन, आप इसमें लैक्टोस्कैन, ठीक है, इको मिल्क अल्ट्रा, इको मिल्क प्रो, EMT, रियल EMT, केशरा, मास्टर क्लासिक, फैटोमेटिक, ये सभी मशीन आप इसमें ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कि हाँ ये कंपैटिबल है इनके साथ, ठीक है। मैंने इको मिल्क अल्ट्रा सेलेक्ट कर रखी है। और प्रिंटर टाइप आप इसमें प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इसमें यूज़ कर सकते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो भी, तो हमने थर्मल प्रिंटर यूज़ किया है। वेन स्केल सेटिंग है चार नंबर से, तो इसमें आप कोई कौन सा भी मेन स्केल है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डेलविन मैंने रियल सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद एक नया फंक्शन है इसमें, ये क्यूमुलेटिव डॉट, हाँ, पाँच नंबर में, तो आप इसमें जो कस्टमर की स्लिप निकलती है, ठीक है, वो आप इसमें डेट डाल सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि हर रोज़ का टोटल बताएगा, मतलब एक दिन में एक कस्टमर 100 रुपये का दूध लेके आया, तो नेक्स्ट टाइम उसने नेक्स्ट डे 50 रुपीज़ का लेके आया, तो वो स्लिप में 150 शो करेगा, नेक्स्ट 20 रुपीज़ का लेके आया तो 170, तो टोटल उसमें शो करता रहेगा। तो ये फंक्शन इसमें नया दिया है, ठीक है। और 7 नंबर से आप डेट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसमें सारी सेटिंग इसमें कर सकते हैं।